हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको यहां पर ये समझ में आएगा कि आखिर आपका एडसेंस अकाउंट अगर एक्टिव है तो यहां पर दोस्तों वो एडसेंस अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो सकता है। अब डीएक्टिवेट का मतलब आपका वो एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। आखिर में डिसेबल होने की वजह क्या है, आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर आपको ये समझना है सबसे पहले की बात, डिसेबल होगा कब पहला केस। दोस्तों इसके लिए आपके पास में यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है, जो आपने अपने वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल लिया हुआ, चाहे वो ब्लॉगर के ऊपर हो या आपका वर्डप्रेस के ऊपर है, नेक्स्ट विजिट कहीं पे भी आपने वेबसाइट बनाया हुआ है, अगर आपने एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है तो उस केस में क्या होगा कि आपका एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अगर एडसेंस अकाउंट टाइप आपका बिजनेस है तो आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों बिजनेस अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जिनकी अपनी कोई फर्म होती है, जिनका अपने कोई कंपनी होती है, जिनके अपने पास में कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होते हैं। अगर उस जैसे कोई सोसाइटी हो गया या ट्रस्ट हो गया, ये सब रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो ही आप अपने बिजनेस अकाउंट को वेरीफाई कर पाओगे। यानी कि हर एक एडसेंस अकाउंट को दो चीज़ों से जरूर गुजरना पड़ता है। सबसे पहला आइडेंटिटी वेरीफिकेशन, दूसरा आपका एड्रेस वेरीफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन तो आपका हो जाएगा क्योंकि गूगल आपके घर पर आपके पास में पिन भेज देगा, लेकिन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में अगर आपका अकाउंट टाइप अगर बिजनेस है तो आप उसको अप्रूव या सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। तो उसका मेन वजह यह है दोस्तों, क्योंकि आपके पास में अगर वो बिजनेस अकाउंट टाइप है तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा और उसकी वजह से आपके पास में जो एड सर्व हो रही हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर वो डिसेबल कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास में डॉक्यूमेंट वो अप्रूव हुआ ही नहीं और वो आपका आइडेंटिटी वेरीफाई सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, इस वजह से आपके वो एड्स को डिसेबल कर दिया जाएगा। अब होता क्या है, यहाँ पर एक ही मेरे फ्रेंड हैं, उनकी कुछ गलतियों की वजह से उनका जो एड्स है वो डिसेबल हुआ, और डिसेबल होने के बाद में उन्होंने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। और ध्यान ना देने का मतलब उन्होंने क्या किया, सीधा उनको लगा कि चलो इसको हम जो हमारा ब्लॉगर है उससे हम अपने एडसेंस को डिटैच कर देते हैं, यानी कि वहाँ से रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद में हम नया एडसेंस को ही अप्लाई कर देंगे। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे समझना ये है कि देखिए, आपको पता है कि एडसेंस बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको भी पता है, अगर आपने बहुत मुश्किल से लिया, हालांकि मुश्किल से नहीं मिलता, अगर कंटेंट आपका जेन्युइन और बिल्कुल परफेक्ट और यूनिक आर्टिकल तो डेफिनेटली जल्दी मिल जाता है और सारे प्रोसेस आप फॉलो किए होंगे। तो अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अपने ब्लॉगर से एडसेंस को डिटैच कर दिया, यानी रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद जब उनका जो बिजनेस अकाउंट टाइप था जब उसको इंडिविजुअल किया गया, यानी कि अब वो रेडी तो हो गया क्योंकि भैया वो इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल होने के बाद में वो अपने पैन कार्ड को अटैच कर सकते हैं क्योंकि उनको अपने इंडिविजुअल में वो अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने पहले रिमूव कर दिया था अपने ब्लॉगर से अपने एडसेंस को, अब वो दिक्कत खड़ी हो गई। अब हुआ क्या, जब अगेन उसको आप अप्लाई करोगे तो एक तरह से आप कह लो कि आप फ्रेश आप अप्लाई कर रहे हो उस वेबसाइट के लिए। अब जब फ्रेश अप्लाई किया गया तो फ्रेश अप्लाई करते टाइम पे वहां पर आ गया नो वैल्यू कंटेंट, यानी कि वहां पे एरर आना शुरू हो गया। अब देखो सबसे पहली बात तो एडसेंस अकाउंट टाइप आपका बिजनेस था, उसको इंडिविजुअल किया, अगर वो इंडिविजुअल सिर्फ कर लेते तो वो आपका एज इट इज रन हो जाता, क्योंकि उस केस में इंडिविजुअल करने के लिए आपको बस प्रोफाइल को चेंज करना है, यानी आपको जो पेमेंट प्रोफाइल होती है आपको उसको चेंज करना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले से रिमूव कर दिया था। अब रिमूव करने की वजह से ब्लॉगर को ये लगा कि बिल्कुल ये फ्रेश और नए तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो दोबारा उस पर जो है रिव्यू हुआ, रिव्यू होने के बाद पता चला कि ये नो वैल्यू कंटेंट का रीज़न आ गया और अब वहाँ पर उनकी वेबसाइट अगेन डिसेबल हो गई। अब उनको दोबारा एफर्ट लगाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें बदलाव करना पड़ेगा, हालांकि कुछ टाइम के बाद अगेन उनका मोनेटाइज होगा। बट यही है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एडसेंस बनाते टाइम के आपके पास में एडसेंस आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, और दूसरी बात अगर एक बार आपका एडसेंस कनेक्ट हो चुका है आपके ब्लॉगर से तो आप उसको रिमूव मत करो, अदरवाइज फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा कोई केस है। अगर आपके पास में भी इंडिविजुअल और बिजनेस का कोई इशू है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आपकी वहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बस फिलहाल के दोस्तों इतना ही, चैनल पर है नए चैनल को लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो फ्रेंड जय हिंद।